last year, at the opening ceremony of the sesquicentennial celebrations of the association on 8th of February 2014, the association released a commemorative coffee table book, very efficiently and ably edited by Advocate Kirti Saman Gupte, who has presently edited a sequel to that, Wakil Nama 2. I call upon and request Kirti to come on the stage and request the Honorable Governor to release the first copy and hand it over to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Men of erudition, devoted to social reform, and with a very deep interest in education, besides great legal acumen, have been crusaders for justice. And today, we salute two such members who have contributed immensely to the association. We honor them by unveiling their portraits. Late Balwant Apte, known to us as Bal Apte. He was detained for opposing the emergency, and his book, Education Change, is a treatise on the need of change in the prevailing education system. And the other luminary is late Shankar Rao More, a man greatly influenced by the leaders and ideology of the freedom movement, who defended Dr. Ambedkar's movement in a debate which came to be known as Purogami Ka Pratigami. Both these personalities were incidentally members of parliament. May I now request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, to address the gathering. मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री, और जिन्होंने गौरव से कहा कि वो आपके हिस्सेदार हैं, उनके पास भी सनद है, मेरे मित्र श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सदानंद जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदरणीय शरद राव, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय मोहित भाई, और इस एसोसिएशन के चेयरमैन श्रीमान राजीव चौहान जी, सभी आदरणीय जजीज, बार के सभी मित्रों, देवेंद्र जी ने तो गर्व के साथ कहा कि वे भी किसी बार से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं बार के बाहर हूं। लेकिन बार की बाहर का लाभ मिलता रहता है। मुझे आज जीवन में पहली बार मुंबई हाईकोर्ट के परिसर में जाने का सौभाग्य मिला। वैसे अच्छा है वहां जाना न पड़े,
और वहाँ एक म्यूजियम का लोकार्पण करने का अवसर मिला। मैं मोहित भाई और उनकी पूरी टीम और विशेष करके श्रीमान जयकर जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक उत्तम काम किया है। स्वभाव से हम हिंदुस्तान के लोग हिस्ट्री कॉन्शियस नहीं है। हो सकता है हमारी मूलभूत आध्यात्मिक फिलॉसफी का प्रभाव रहा होगा, लेकिन हिस्ट्री कॉन्शियस न होने के कारण हमने बहुत कुछ गंवाया है। एक छोटा सा प्रयास भी, जो भी उस म्यूजियम को देखेगा उसको भारत की न्याय परंपरा के अनेक अनेक पहलू, इस परंपरा से जुड़े हुए मनीषी और इस व्यवस्था से किस प्रकार से कहां से प्रारंभ हुआ, कहां तक पहुंचे, उसकी पूरी यात्रा का एक छोटा सा प्रयास है। मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में खास करके लॉ के विद्यार्थी उस म्यूजियम को देखें, बारीकाई से उसको समझने का प्रयास करें और अपने आप को भी उस गौरवपूर्ण परंपरा में कभी न कभी कदम रखने का अवसर मिलने वाला है और कितना बड़ा दायित्व है उसका एहसास करें, तब मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, जिस प्रोफेशन में जा रहा है, उस प्रोफेशन की क्या ऊंचाई है, कितनी महान परंपरा है, कितने श्रेष्ठ जनों का उसमें योगदान है, उसके साथ वो अपने आप को जोड़ सकता है। और उस अर्थ में मैं समझता हूँ कि ये प्रयास अभिनंदनीय है। मैं प्रार्थना करूँगा कि इसका कोई डिजिटल वर्जन भी बने और ये प्रदर्शनी ऑनलाइन भी किसी को देखना हो, समझना हो, तो शायद काम आए। दुनिया में अधिकतम देश ऐसे हैं कि जहां म्यूजियम को समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और हर व्यवस्था में म्यूजियम के महात्म्य को स्वीकार किया गया है। म्यूजियम के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले लोगों का भी आदर सत्कार होता है। इन दिनों चाइना में बहुत बड़ी मात्रा में म्यूजियम बनाने का काम चल रहा है। हर वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में नए म्यूजियम वहां आ रहे हैं और वो अपनी पुरानी विरासत के साथ नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कर रहे हैं। भारत के पास तो संजोना संवारने के लिए क्या कुछ नहीं है। हमें भी कभी न कभी हमारी इस महान विरासत के प्रति गर्व के साथ जुड़ना होगा और आने वाली पीढ़ी को इस महान परंपरा को विरासत में देने का सौभाग्य प्राप्त हो, ये प्रयास करना होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस उत्तम काम के लिए मुंबई हाईकोर्ट हृदय से अभिनंदन के अधिकारी हैं। बार एसोसिएशन के 150 साल एक छोटा कालखंड नहीं है, कितना बड़ा कालखंड है। मैं नहीं जानता हूं कि इस पूरे वर्ष भर क्या क्या कार्यक्रम हुए, किन किन चीजों को प्रस्तुत किया गया, लेकिन 150 साल का इतिहास अपने आप में कितनी बड़ी घटना होगी, कैसे कैसे बदलाव आए होंगे, कैसे कैसे ठहराव आए होंगे, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए होंगे,
अगर उसको एक हिस्ट्री के रूप में बार में तैयार हुआ होता या किया होगा तो मेरी तरफ से बधाई, लेकिन एक ये विरासत छोटी नहीं है। और मैं देख रहा था कि शरद राव इतना रिसर्च करके आए थे और इतनी गहराई से कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितने कितने लोग उसमें जुड़े, और एक एक नाम सुनते कितना गर्व होता है। और आप भी कह सकते हैं मैं उस बार में हूं जहां कभी महात्मा गांधी हुआ करते थे, मैं उस बार से जुड़ा हूं जहां कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़ा करते थे। आप कल्पना कर सकते हैं ये अपने आप में कितनी बड़ी गर्व की बात होती है। और यही चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा देती है। कभी कोई लेबर यूनियन बनाए तो समझ सकते हैं कि कुछ मांग करने के लिए होगा, लेकिन 150 साल पहले इस लीगल प्रोफेशन का एसोसिएशन क्यों बनाया गया होगा? ये यूनियन तो है नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, फलाना फलाना मुर्दाबाद, ये तो कोई आपका क्षेत्र नहीं है। मैं अनुमान करता हूं, मेरा कोई अध्ययन नहीं है, शरद राव उस पर ज्यादा अच्छे तरह प्रकाशित कर सकते हैं, मैं अनुमान करता हूं कि उस समय के जो महापुरुषों ने इस कल्पना को किया होगा उसके मूल में ये प्रोफेशन के लोग मिलकर के क्वालिटेटिव चेंज के लिए डायनेमिक रूप से किस प्रकार से निरंतर काम करते रहे, अपने आप को वेल इक्विप कैसे कर सके, और अधिक ज्ञान को जुटाने के लिए सामूहिक चिंतन मनन का अवसर कैसे प्राप्त हो, वो एक उत्तम आदर्शों को लेकर के इस परंपरा का प्रारंभ हुआ होगा। अकेले अगर वकील होते, कोई वकालत करते होते, तो शायद देश को जितने उत्तम महापुरुष मिले बार में से वो शायद न मिले होते। ये इतने महापुरुष इसलिए मिले होंगे कि सामूहिक रूप से न्याय और अन्याय की बहस हुई होगी, देश ने गुलाम क्यों रहना चाहिए इसकी चर्चा हुई होगी, भीतर एक आग पैदा हुई होगी, और तभी सनत को छोड़कर के जो औरों को जेल जाने से बचाना के लिए जिंदगी खपा रहे थे, खुद ने जेल में जिंदगी गुजार करके देश को आजादी दिलाने के लिए जिंदगी खपाई। ये छोटी बात नहीं होगी। और देश के आजादी के आंदोलन को हम देखें, दो लोगों का सबसे अधिक उसमें कंट्रीब्यूशन नजर आता है, दो परंपरा से जुड़े हुए लोग, एक लीगल प्रोफेशन से आए हुए लोग और दूसरे शिक्षा के क्षेत्र से आए हुए लोग। इन दो क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, आजादी के आंदोलन को ताकत दी। हम कल्पना कर सकते हैं उस समय जब अंग्रेजों का जुल्म चलता होगा, अगर लीगल प्रोफेशन के लोग हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं खड़े होते तो इस युद्ध में कौन उतरता? आजादी के लड़ाई के लिए जो सैनिक लेके हो गए उनको भी एक बात का भरोसा रहा होगा कि अंग्रेज सल्तनत अगर गलत भी करेगी तो यहां का बार एसोसिएशन है, यहां के वकील हैं, वो मेरे लिए लड़ मिलेंगे और मुझे बचाएंगे, ये भाव पैदा हुआ। यानी आजादी की ज्योत को जलाए रखने में इस प्रोफेशन के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान किया होगा। उस महान विरासत से जुड़ी हुई यह परंपरा है और उसके 150वीं जयंती के समापन समारोह में आज का मुझे अवसर मिला है। आपने जब प्रारंभ किया था तब राष्ट्रपति जी आए थे, प्रारंभ किया था तब सरकार एक थी, समापन हो रहा है तब सरकार दूसरी है। उधर भी दूसरी है, यहां भी दूसरी है।
लोकतंत्र की यही तो विशेषता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अब वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। ₹150 के बांध का मार का रूप रंग क्या हो, उसका एजेंडा क्या हो, उसकी गतिविधियां क्या हो, उस पर कभी न कभी गंभीरता से सोचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आज देश में मैं एक आवश्यकता महसूस करता हूं और वो क्विक जस्टिस की बात तो बराबर होती रहती है, लेकिन क्वालिटी जस्टिस की ओर ध्यान कैसे दिया जाए। और क्वालिटी जस्टिस जुडिशरी का जिम्मा नहीं है, क्वालिटी जस्टिस उस बहस करने वाले वकीलों पर निर्भर करता है। वो कैसा अध्ययन करके आए हैं, वो कैसे रेफरेंस लेकर के आए हैं, कितनी तेज तरार आर्ग्यूमेंट के साथ उन्होंने एक नया राह दिखाया है और एक प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, उस मंथन में से कोर्ट के भीतर वादी प्रतिवादी के बीच जो मंथन हो रहा है उसमें से वो अमृत निकले जो आने वाली पीढ़ियों तक काम आ जाए। और तभी तो आपने भी देखा होगा, आप दुनिया के कई देशों के जजेस के जजमेंट को कोट करते होंगे, किसी और देश का होगा कोट करते होंगे, मैं तो कभी कोर्ट में गया नहीं, मैं वकील रहा नहीं, लेकिन ऐसा करते ही होंगे। और इसलिए आप सामने वालों को कन्विंस करते होंगे कि ये परंपरा रही है, दुनिया में ऐसा माना गया है, उस समय ऐसा किया गया होगा। ये सारी जो प्रोसेस हैं वो क्वालिटी जस्टिस के लिए काम आती है। और क्वालिटी जस्टिस शासकों के लिए भी एक प्रकार का सीमा चिन्ह बन जाता है। एक बार, और मैंने देखा है कि हमारे यहां संसद में या विधानसभा में भी चर्चा होती है तो कोर्ट के जजमेंट को कोट किया जाता है, किए गए आर्ग्यूमेंट्स को कोट किया जाता है, रखे गए कोटेशंस को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी बात को ताकत से रखना चाहता है। आज जब डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा पूरा लॉगल प्रोफेशन की पूरी व्यवस्थाएं आज डिजिटल, सारी चीज अवेलेबल है, हम उसे उपयोग कैसे करें, उसको कैसे हम ताकतवर बनाएं। एक जमाना था गांव में एक वैद्यराज होता था, पूरा गांव स्वस्थ रहता था। आज शरीर के हर अंग के लिए डॉक्टर हैं, बाईं आंख के लिए डॉक्टर अलग, दाहिनी आंख के लिए अलग, ऐसे भी हैं। जिस प्रकार से मेडिकल प्रोफेशन में इतनी बारीकी बढ़ती गई है, इतना स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बढ़ते गए हैं, मैं देख रहा हूं लीगल प्रोफेशन में भी अनेक विविधताओं से भरी स्पेशलाइज की दिशा में ये जाने वाला है। और इसलिए ये बार का काम रहेगा, क्योंकि सब लोग एक ही प्रकार की डिग्री लेकर के आते हैं, एक ही प्रकार की यूनिवर्सिटी से आते हैं और वही पुराने सिलेबस से गाड़ी चलती है। लेकिन बार का काम बनता है वो समयानुकूल डिबेट रखते हुए, सेमिनार करते हुए, वर्कशॉप करते हुए अपनी इस पीढ़ी को एक्सपर्टाइज की ओर कैसे ले जाए। आज से कुछ साल पहले आईपीआर के लिए किसको लड़ना पड़ता था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए शायद आज आए दिन जंग होता रहता है। और जब तक एक्सपर्टाइज नहीं होगी तो आईपीआर की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। कोई एक जमाना था अपने गांव के मुद्दे रहते थे, या अड़ोस पड़ोस के रहते थे, या दो व्यापारियों के रीत रहते थे, आज सारी दुनिया बदल चुकी है, वैश्विक परिवेश में हमें काम करना पड़ रहा है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सीधा सीधा संबंध हो न तो भी रेफरेंस अनिवार्य बन गया है, आपके सर लिटिगेशन के साथ वो जुड़ा हुआ है। क्राइम की दुनिया पूरी तरह बदल रही है। आज
साइबर क्राइम एक नया जगत शुरू हुआ है, और जब साइबर क्राइम एक नया जगत शुरू हुआ है तो हमारी ये पुरानी किताब के आधार पर हम साइबर क्राइम क्या लड़ेंगे, किस तरीके से हम सबूत लाएंगे, और तब जाकर के फॉरेंसिक साइंस से हमारा परिचित होना समय की मांग बनी है। मैं जब गुजरात में था, हमने एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी, दुनिया में एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, और जजीज वहां पढ़ने के लिए आते थे, बार के मित्र वहां पढ़ने के लिए आते थे रेगुलरली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले दिनों में जस्टिस की प्रोसेस में फॉरेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आज इकोनॉमिकल ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए लिटिगेशंस का बन गया है, उसकी स्पेशलाइज होने वाली है, और उस अर्थ में पूरा लीगल प्रोफेशन एक नए रंग रूप को सज रहा है, और बार में वो ताकत होती है कि इसको अधिक सक्षम कैसे बनाएं। अपने बार के साथियों को जगत में इस प्रकार के लोग जानते हो, हर महीने बुला करके उनसे सुन करके उस प्रकार की किताबें मुहैया करा करके या तो ई लाइब्रेरी की मेंबरशिप दिला करके हम अपनी सज्जता को कैसे बढ़ाएं, और हमारे सामर्थ्यवान लीगल प्रोफेशन होगा तो मैं मानता हूं कि क्विक जस्टिस के साथ क्वालिटी जस्टिस की प्रोसेस भी और तेज गति से काम बनेगा, और जब इतनी बारीकाई से होगा तो लिटिगन कोई भी क्यों न हो, हार जीत किसी भी क्यों न हो, लेकिन कम से कम संतोष जरूर होगा। और आखिरकार इस व्यवस्था पर विश्वास तब बना रहता है कि जब हारने वाले को भी संतोष हो कि चलिए भाई मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, मेरा नसीब ऐसा था, कम से कम विश्वास तो बना रहता है। अगर हमारी व्यवस्थाओं पर से विश्वास टूट जाता है तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, और इसलिए व्यवस्थाओं में विश्वास होना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, ये समय की बहुत बड़ी मांग होती है, और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी के लिए हम जितना प्रयास करें, और ये एक जगह पर नहीं होता है, और एक क्षेत्र है जो सबसे बड़ा चिंता का है, और मैं बार के मित्रों से विनती करता हूं कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या। आपको हैरानी होगी, सरकार में सरकार का मुख्य काम होता है कानून बनाना, लेकिन सरकार के पास कानून ड्राफ्टिंग के लिए जिस प्रकार का क्वालिटी मैन पावर होना चाहिए, मैं हमेशा कमी महसूस करता हूं। और आज जो कभी कभी पेंडेंसी को लेकर के जुडिशरी पर आलोचना होती है कि काम नहीं हो रहा है, पेंडेंसी नहीं है, लेकिन पेंडेंसी के मूल में मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोग ज्यादा जिम्मेवार हैं। उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि जिसके 10 अर्थ होते हैं, और उसी के कारण समस्या बढ़ती है। हम शुरू कहां से करें, अच्छा कोर्ट का बिल्डिंग बनाएं कि पार्लियामेंट में अच्छा कानून बनाएं? और इसलिए इन दिनों मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी नए एक्ट का ड्राफ्ट है उसको ऑनलाइन रखो, बार के मित्रों को कहो भाई जरा इसके बराबर बाल की खाल उधेड़ करके देखो क्या गलती हो रही है हमारी, निकालो हमें बताओ, तभी जाकर के एक्ट अच्छे बनते हैं। और एक्ट जिसमें मिनिमम, अब हम मनुष्य हैं, हम जीरो ग्रे एरिया तो कह नहीं सकते, मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया हो, ऐसे अगर हम कानून बनाते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि जुडिशरी को निर्णय करने में कभी देर लगती है, वो फटाक से कैसे भाई ये हो सकता है ये नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारे यहां कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको भी बार एसोसिएशन की मदद से अच्छा बनाया जा सकता है। हमारी जितनी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर ड्राफ्टिंग के स्पेशल कोर्सेज चलाने की आवश्यकता है, वहां पर लीगल प्रोफेशन में जाने वाले व्यक्ति को एक्ट ड्राफ्ट करना उसका भी एक प्रोफेशनली उसके ट्रेनिंग होना जरूरी है। जब तक हम अच्छे, अच्छा सरकारों का भी एक स्वभाव रहा है,
अच्छी सरकार वो नहीं है कि जो कानूनों के जंगल खड़े कर दे, हर दिन एक नया कानून बनाए और हम सीना तान करके कहते रहे हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढिकड़ा कानून बनाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मेरी सफलता यह है कि मैं अगर 5 साल में हर दिन एक कानून खत्म करूं, और मुझे खुशी है कि मेरे 5 साल का जितना कोटा है वो मैंने पहले 8 महीने में पूरा कर दिया है। 1700 कानून खत्म कर रहे हैं, 1700 पता नहीं कैसे कैसे कानून बने पड़े हैं जी। और वो कानून ऐसे हैं कि कोई भी उस कानून को 1880 का एक कानून लेकर के आएगा और वो खड़ा हो जाएगा और वो 2-6 महीने कोर्ट के खराब करता रहेगा। ये भी पूरी तरह व्यवस्था में बदलाव हम लगे हैं, और मैं मानता हूं कि इसको मैंने अभी मुख्यमंत्रियों से राज्य में भी कहा, मैंने कहा भाई ये बहुत हो गए, आप कुछ कम करो, जितने कानून कम होंगे उतनी न्याय की सुविधा बढ़ेगी। कानूनों के जंगल से न्याय पाना कभी कभी कठिनाई हो जाती है, और इसलिए कानून सरल हो, कानून सामान्य मानवीय को विश्वास में देने वाला हो और निष्पक्ष भाव से बना हुआ हो, तो सरकारों की भी ये जिम्मेवारी है। और जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि बार, जुडिशरी एंड गवर्नमेंट, ये तीनों का फंक्शनिंग अगर एक समान रूप से चलता है और सही डायरेक्शन में चलता है तो फिर देश को परिणाम मिलता है। उन परिणाम की प्राप्ति करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इन दिनों सारा विश्व का ध्यान भारत की तरफ है। हम पिछले कई वर्षों से सुनते आए हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के लोगों को आर्थिक गतिविधि के लिए एशिया की तरफ ध्यान केंद्रित हुआ है, और पिछले कुछ महीनों से भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, भारत के प्रति बड़ी आशा भरी नजर से दुनिया देख रही है। कारण क्या है? आप बार मित्रों को जानकर के खुशी होगी, विश्व भारत पर भरोसा इसलिए कर रहा है कि दुनिया के लोगों को हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर विश्वास है। उनको लगता है कि भाई मैं पूंजी निवेश करूंगा तो भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भारत में कानून का शासन है और भारत की जुडिशरी सिस्टम है, जहां पर कभी कुछ गड़बड़ हुई मैं दूसरे देश में जा रहा हूं मुझे न्याय मिलेगा। आज अन्य देशों की तुलना में भारत का सबसे ताकतवर जो मुद्दा है विश्व को प्रभावित करने के लिए वो ये है कि हमारे पास हमारी लीगल सिस्टम, हमारी जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा उनको आनंद आता है कि हमारी यहां न्याय प्रणाली में अंग्रेजी का महात्मा है, उनको संतोष होता है। वरना हम अपनी भाषा में कुछ कह दें और वो बेचारा फंस जाए तो उसको विश्वास है कि भाई चलिए कम से कम उस लैंग्वेज में मैं न्याय मांग रहा हूं जिस लैंग्वेज से मैं परिचित हूं। एक ऐसी अवस्था बनी है, और इसलिए भारत के आर्थिक विकास में भी सिर्फ सुशासन और सरकार नहीं, न्याय प्रणाली भी बहुत बड़ी ताकत के साथ आज विश्व में हमारी बात पहुंचाने का आधार बनी है। और इसके लिए इस सारी महान परंपरा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, अब तक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों ने जो योगदान किया है, इसकी प्रतिष्ठा बनाई है, किसी ने जुडिशरी में रह करके किया होगा, किसी ने बार में रह करके किया होगा, उन सबका ये योगदान आज हिंदुस्तान की भलाई के काम आ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। और उस अर्थ में भी मैं पूरी न्याय प्रणाली के साथ जुड़े हुए अब तक जिन्होंने काम किया है वो, और आज जो काम कर रहे हैं वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। वो देश को कैसी ताकत कहां कहां से मिलती है, हम ये ना सोचें कि देश को ताकत कैसी एक कोने से मिलती है, एक मल्टीपल इफेक्ट होती है जिसके कारण अल्टीमेट लोगों को हम आकर्षित कर पाते हैं, और वो काम आज हो रहा है। और उस अर्थ में भी बहुत बड़ी भूमिका हमारी स्वतंत्र न्याय प्रथा परंपरा प्रणाली
जो दुनिया को हमारे बातों को स्वीकार करने के लिए एक कारण बन रही है। इन सब बातों के साथ मैं फिर एक बार, मुझे आपने बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ मुझे मंच पर बैठने का मौका मिला, क्योंकि जो व्यक्ति का लीगल से कोई लेना देना नहीं, उसको मिलने का मौका मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।